हेलो एंड वेलकम टू जावा ट्यूटोरियल्स फॉर बिगिनर्स। आज हम लोग देखेंगे कि जावा के प्रोग्राम्स कैसे लिखे जाते हैं लिनक्स टर्मिनल पे, या फिर आप विंडोज टर्मिनल पे सिमिलर वे में ही लिख सकते हो। ओके, एंड वी हैव सम एजेंडा, विल ट्राई टू फिनिश एज मच एज पॉसिबल फ्रॉम दिस एजेंडा। ओके, सो फर्स्ट प्रोग्राम वी विल स्टार्ट विद द हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम विद फंडामेंटल्स। सो पहले देखते हैं कि जावा क्या है। सो लेट्स सी जावा। As per the definition, Java is a general purpose programming language that is class based, object oriented and designed to have as few implementation dependencies as possible. Okay? So इसका क्या मतलब है? Java आपको simple language में समझना है कि Java is an object oriented programming language. Okay? जिसमें क्या होता है कि classes और objects बना सकते हैं आप, because RAM is not the only way to run the processes. आपके कोड्स, आपके ऑब्जेक्ट्स ये कहाँ पर स्टोर रहने चाहिए? आपके हार्ड डिस्क जो बची रहती है उसमें भी स्टोर होने चाहिए। तो जितने भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो एक तरह से हीप मेमोरी में जाके स्टोर होते हैं। ओके, एंड जैसा कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर जो है, जिसमें आपके बेसिक पिलर्स जो आते हैं, मेन पिलर्स कौन कौन से, एनकैप्सुलेशन, एब्स्ट्रैक्शन, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, हायरार्की एंड ऑल, सो वो सारे के सारे फीचर्स जावा में इम्प्लीमेंटेड है। इसलिए इसको मोस्टली लोग बोलते हैं कि इट्स अ प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, बिकॉज इट हैज इम्प्लीमेंटेड ऑलमोस्ट ऑल फीचर्स विच आर अवेलेबल इन ऊप्स। ओके, सो सबसे पहले हम देखेंगे हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम कैसे लिखा जाता है। सो लेट्स जस्ट गो टू द टर्मिनल, आई विल जस्ट क्लियर दिस। सो आई हैव क्रिएटेड वन फोल्डर ओवर हियर, इसमें जावा नाम लिखा हुआ है, एंड इफ आई से ls-lart, सो यू कैन सी देर इज नो फाइल अवेलेबल ओवर हियर। सो सबसे पहले फाइल मुझे क्रिएट करनी है, तो मैं क्या करूंगा, vim एडिटर का यूज करूंगा। vi एंड vim में ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं है, vi वॉज द ओल्डर वर्जन एंड vim इज द न्यूअर वर्जन। ओके, सम पीपल कॉल इट्स ए मॉडिफाइड वर्जन। ओके, सो vim का यूज करेंगे हम लोग। फर्स्ट फाइल बनाएंगे test.java नाम से। ओके, आई विल स्टार्ट राइटिंग अ कोड ओवर हियर। सो इसमें इंपोर्ट वगैरह आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, जैसा आप सी लैंग्वेज में करते थे। आपको डायरेक्टली क्या लिखना है, क्लास। ठीक है, इट्स अ प्योरली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, इसलिए यहाँ पर क्लास रहना जरूरी है, बिना क्लास के कोई भी प्रोग्राम रन नहीं होगा। ओके, सो क्लास, मैंने फाइल का नाम दिया। फाइल का नाम चेक करने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, एस्केप एंड कंट्रोल जी, तो कंट्रोल जी से नीचे फाइल का नाम दिखाई देता है। ओके, सो फंडामेंटल्स के लिए I'll keep the other name, insert mode में जाके I'll keep the other name, मैं test नाम से class file नहीं, class नहीं बनाऊंगा, मैं demo नाम से class बनाऊंगा। मेरे file का नाम क्या है, test, और मेरे class का नाम क्या है, demo, just to make sure कि ये सारी चीजें possible है। यानी मैं यहाँ पर tab stop कर देता हूँ, set tab stop equals to 4, तो every 4 space के बाद वो tab लेगा, जब भी मैं tab press करूँगा 4 space लेगा। इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट आता है आपका मेन मेथड, सो पब्लिक स्टैटिक वॉइड एंड मेन। ओके, सो ये मेन मेथड के अंदर ही आपका कोड रहना चाहिए, और यहां पर होता है आपका स्ट्रिंग args। ओके, एंड लेट्स जस्ट ट्राई टू प्रिंट समथिंग, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln, जैसा आपके सी लैंग्वेज में प्रिंट एफ था वैसे ही यहाँ पर क्या है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln। तो यहाँ पर आके मैं देखता हूँ, लेट्स से हेलो वर्ल्ड, एंड इसको कर देते एस्केप कोलन एंड w, आई एम जस्ट राइटिंग। ओके, सो मैं कंट्रोल जेड प्रेस करके क्या कर सकता हूँ, टर्मिनल में वापस आ सकता हूँ। इसके बाद यहाँ पर ls-lrth करके देखते हैं, एक मेरी test.java फाइल जो सेव्ड है, और एक टेम्परेरी फाइल, लेट से मेरा सिस्टम अचानक से पावर ऑफ हो गया, तो टेम्परेरी फाइल भी वहां पर अवेलेबल रहेगी। ओके, सो यहाँ पर मुझे अभी कंपाइल करना है, तो देर इज समथिंग कॉल्ड एज जावा सी कंपाइलर, जैसा GCC कंपाइलर था सी लैंग्वेज के लिए, यहाँ पर कौन सा कंपाइलर है, जावा सी कंपाइलर, और जावा कंपाइल्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, इसलिए मुझे उसको कंपाइल करना बहुत जरूरी है। कंपाइल करने के बाद क्या होता है कि वो एरर्स चेक कर लेता है, अगर कोई भी एरर नहीं है तो मुझे वो एक क्लास फाइल क्रिएट करके देता है, जिसको हम हेक्साडेसिमल या फिर बाइट कोड भी बोलते हैं, राइट। सो जावा सी स्पेस इसको पास करना पड़ता है
हमें डॉट जावा फाइल, ओके। जैसे मैंने डॉट जावा फाइल इसको पास की, सो इट इज जस्ट कंपाइलिंग दैट थिंग एंड इट डिडंट फाइंड एनी एरर, इसीलिए उसने क्या किया, कोई एरर नहीं दिखाया। और जब भी मैं अभी ls-lrth करूंगा तो वहां पे आप देख सकते हैं कि जो क्लास फाइल थी उसके अंदर, उस सॉरी जो क्लास था उस नाम से एक क्लास फाइल बन गई। अगर मैं यहाँ पर देखता हूँ cat test.java, सो यू कैन सी कि डेमो नाम का मैंने क्लास रखा हुआ था, इसीलिए demo.class नाम की फाइल कंपाइलेशन करने के बाद वो क्रिएट करके थी उसने, ठीक है, जनरेट की। उसने कन्वर्ट नहीं किया डॉट जावा को, उसने जनरेट किया एक न्यू फाइल। सम पीपल से कि वो जावा को कन्वर्ट करता है क्लास फाइल में, दैट इज नॉट द केस, ठीक है। जावा फाइल एज इट इज है तुम्हारे सोर्स कोड, और एक बाइट कोड भी तुम्हारा रेडी है demo.class। अब उसको रन करने का एक तरीका है जावा स्पेस डेमो, यहाँ पर आपको क्या डॉट क्लास देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जावा को सिर्फ क्लास फाइल ही चाहिए रहती है, इसलिए जावा स्पेस डेमो अगर मैंने दे दिया तो क्लास फाइल रन हो जाएगी, फाइन। इसमें एक और चीज देखने लायक है कि क्या मैं इसका ऑर्डर चेंज कर सकता हूँ, पब्लिक स्टैटिक की जगह क्या मैं स्टैटिक पब्लिक कर सकता हूँ, एंड एस्केप कोलन डब्ल्यू, इसको फिर से कंपाइल करते हैं एंड फिर से रन करते हैं, सो दैट डजंट मेक एनी डिफरेंस अगर मैंने उसको स्वैप कर दिया। बट क्या मैं वॉइड को स्वैप कर सकता हूँ, लेट्स जस्ट सी। सो यू कैन सी यू कैन नॉट गिव, ये जो है void, ये return type की तरह work करता है और ये हमेशा function से पहले ही आना चाहिए, function name से पहले ही आना चाहिए, void int, okay? उसके बीच में modifier आएगा, access specifier आएगा, तो वो accept नहीं करता है, ठीक है। This is access specifier, okay? इसका access क्या है, public है, इसलिए access specifier। This is modifier, modifier मतलब वो main method को क्या कर रहा है, modify कर रहा है static देकर। static का मतलब ये है कि इसका मैंने object create किया क्या, नहीं, स्टैटिक मेथड्स वही होती है जिसका बिना ऑब्जेक्ट क्रिएट किए बगैर भी मैं रन कर सकता हूँ, इसीलिए वो मेन मेथड को हमेशा स्टैटिक देना जरूरी है। स्टैटिक मिस रहेगा तो हमें उसका ऑब्जेक्ट बनाना बहुत जरूरी है, और जो जावा लोडर जेआरई में रन होता है वहां पे ये मेन फंक्शन डायरेक्टली रन होता है, इसलिए इसको स्टैटिक हमेशा रखना ही है अपने, ओके। सो हम ऑर्डर चेंज नहीं कर सकते और स्टैटिक हटा भी नहीं सकते वहां से। पब्लिक क्यों रखा हुआ है, क्योंकि इसको जेआरई रन करेगा जेवीएम के अंदर, है ना, जेवीएम के अंदर रन होगा ये प्रोग्राम, इसलिए उसको पब्लिक रखना जरूरी है, ओके। सो यू शुड नॉट चेंज दोस मॉडिफायर्स, ओके। फिर यहां पर देखते हैं args की जगह पर क्या मैं दूसरा नाम दे सकता हूं, लेट्स से gras, ओके, एंड एस्केप कोलन डब्ल्यू, इसको कंपाइल करके देखते हैं, इट इज कंपाइलिंग। क्या मैं स्क्वायर ब्रैकेट को यहां पर हटाकर, क्या मैं स्क्वायर ब्रैकेट को हटाकर इसके बीच में दे सकता हूं, लेट्स सी, सो दैट इज ऑल्सो पॉसिबल, ठीक है। सो यहाँ पर ऐसा चीज है फंडामेंटल समझने के लिए कि कंट्रोल जी प्रेस करके, सबसे पहले तो आपका टेस्ट डॉट जावा फाइल का नाम और इसका नाम सेम रहना जरूरी नहीं है। सेकंड चीज, आप स्टैटिक और पब्लिक का ऑर्डर चेंज कर सकते हो, आप वॉइड निकाल नहीं सकते और वॉइड का ऑर्डर चेंज नहीं कर सकते, वॉइड हमेशा मेन के पहले ही रहना चाहिए। नाउ सेकंड थिंग हम यहाँ पर चेक कर लेते, क्या मैं एक साथ दो क्लास बना सकता हूँ, ओके, डेमो टू, यहां से पूरी चीजें एज इट इज कॉपी करके पेस्ट करते हैं, ठीक है। और यहां पर मैं थोड़ा मैसेज चेंज कर देता हूं, एंड मैंने क्या किया, डेमो और डेमो टू ऐसे दो क्लासेस बनाए और दो मेन मेथड लिखी एक ही फाइल के अंदर। क्या मैं उसको कंपाइल करके चेक कर सकता हूं, इट इज कंपाइलिंग ls-lrth करके लेटेस्ट फाइल देखते हैं, कौन सी दो क्लास फाइल यहां पे जनरेट हुई है। अब मुझे मेरा कॉल है कि मुझे कौन सी कॉल करनी है, तो मैं क्या करूंगा, जावा स्पेस डेमो अगर रन करता हूं तो अलग मैसेज आ रहा है, एंड जावा स्पेस डेमो टू अगर रन करता हूं सो इट इज गिविंग मी डिफरेंट मैसेज। और आप लोग फाइल में देख सकते हैं टेस्ट डॉट जावा इज हैविंग दिस कंटेंट्स,
ओके, सो दिस इज नथिंग बट द फंडामेंटल्स ऑफ मेन जावा प्रोग्राम. ओके, हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि यूजर से इनपुट कैसे लेते हैं और वेरिएबल्स कैसे क्रिएट करते हैं एंड उसके ऊपर ऑपरेशन कैसे परफॉर्म करते हैं. फाइन, चलो, थैंक यू. अगर आपको कोई भी डाउट आता है इसके बीच में ये प्रोग्राम करते वक्त, तो आप नीचे कमेंट्स कर सकते हैं और आप ये प्रोग्राम भी मैं GitLab पे रख दूंगा, GitLab और GitHub पे, सो आप वहां से भी इसका रेफरेंस ले सकते हैं. अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो प्लीज डू सब्सक्राइब, एंड इफ यू लाइक द वीडियो प्रेस द लाइक बटन. ओके, थैंक यू.